प्रेम ही रसधार है। अरे प्रेम से गाना गाइए और ये प्रेम का संसार है। और हाथ रस मालो कि प्रेम से झुक सकता हूं मैं, तो ये प्रेम से और झुक सकता हूं मेरे, और देख प्रेम की ऐसी मार है, और मनोज भैया अरे प्रेम से झुक सकता हूं मैं और ये प्रेम की ऐसी मार है, कह देख प्रेम की और होगी आज जीत यहां, तो भैया प्रेम की होगी हार है। परमादरणी जनता जनार्दन, आज के इस कार्यक्रम को कराने वाली सम्माननीय वंदनीय कमेटी, दूर दराज से पधारे सभी मेरे रसिक प्रेमी, जितने भी अखाड़ों के उस्ताद खलीफा लेखक गायक, सभी के चरणों में नतमस्तक वंदन अभिनंदन, राम राम साहब। कहना है दोनों पार्टियों का मुकाबला शुरू हो चुका है, गंगा जमुना के बीच में नामी ग्रामी अखाड़ा अखाड़ा खिचोमल आटे वाले हाथरस, जिनके संचालक भाई मनोज शर्मा, इधर से न कोई गाने वाला चालू कर लो, न कोई लिखने वाला, केवल आपके चरणों के धूल का एक कण, एक छोटा सा अखाड़ा बीदा बाबू अलीगढ़ शाखा भीकम रसिया की तरफ से हम नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। देखेंगे सारी रात में, फैसला आप सभी के हाथों है और वो हम दोनों ही पार्टियों को सरोधार्य होगा, वो फैसला सारी रात में देखना है। हाथरस वालों ने क्या कहा जिसका अलीगढ़ वालों ने क्या जवाब दिया, और अलीगढ़ वालों ने क्या कहा जिसका हाथरस वालों ने क्या जवाब दिया, और सुबह फैसला दोनों ही पार्टियों को। अरे जवाब तो पीछे हो गो, पहले हमारी सुन लो। देखिए बार बार मैं सुन रहा था कि कॉपी हाथ में मत लेना, पेंसिल हाथ में मत लेना, न जाने कितने आ गए हैं, मैं कुनबा बड़ो है तो आ गए तो हतु ही ना कुनबा, सही सांझ को कुनबा मरे गो तो मैं क्या करूं। दूसरी बात, एक बात और कह रहा था मनोज भाई, वास्तव में आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बिजेंद्र शर्मा मर चुके हैं। अब तक तो हमारे दिल में, जनता के दिल में यह आस्था थी कि बिजेंद्र शर्मा हर एक के दिल में रहते, लेकिन वास्तव में आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बिजेंद्र शर्मा मर गए। और कह रहे कि यूं कह तो है भीकम रसिया, अब देखा सरपीनी जी गाई है छंद, बिजेंद्र शर्मा जी छंद गाई है, गोपाल परमान ने गई, तुम का नयो गाएगे, उन्हीं बातों को वो गा के मर गए, उन्हीं बातों को आज तुम गा रहे। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अब देखना यही से दंगल का मोड़, हर बात नहीं होगी, एक एक शब्द भी नया होगा यहाँ। और तीसरी बात यह है कि आत्यो चून घोर के जब पोखर में ना तालाब की फेंके हो तो भीकम रचिया ना बाप से पैदा नहीं है। कम से कम 20 साल पुरानी छंद गाई रटी वही याद है, कॉपी हाथम मत लियो, और मैं आगे छंद को बढ़ा रहा हूं, अगर बाप का अंश तुझ में हो तो कॉपी हाथ में मत लेना,
अंश बाप का हो तो पूरी रात, लेकिन मैं तेरी छंद को बढ़ाते हुए और किस तरीके से यहीं से 2020 का मैच और बेटा किस तरीके से? तो देखिए दोहा से दोहा लड़ता हुआ और छंद से छंद लड़ती हुई और किस तरीके से। अब इधर से हनुमान जी क्या कह रहे हैं सीता माँ से, के डार अंगूठी डार से, ये डार अंगूठी और डार से तब बोले पवन कुमार और तब बोले पवन कुमार अरे मारग चल के सत्य का और मैं आया लंका द्वार। और दूसरा दुआ क्या कह रहा है, कहलाया अंगूठी प्रभु राम की, ये लाया अंगूठी और मैं श्री राम की, अरे लख पुण्य वो डहने लगे और लख पुण्य वो बहने लगे, और हनुमान यो कहने लगे। अब सुनेंगे छंदर किस तरीके से, अरे मत मन में घबराओ मैया, ठीक है भैया, हनुमान जी कह रहे मां सीता से, अरे मत मन में घबराओ मैया प्रभु राम की दहूं दुहाई है, और देख मत मन में और घबराओ मैया और श्री राम की दहूं दुहाई में दुहाई है, और लाइन समझ में आ जाए तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा, अरे प्रभु राम की दहूं दुहाई है, अरे नौकर बन के में आयो मैया, अरे मधुरी दही गिराई है, नौकर बन के आयो मैया मधुरी दही गिराई है, नौकर बन के आयो मैया मधुरी दही गिराई है, अरे जग की रीत नीत अपनाई हरसाई, रख दो हाथ शीश हरसाई रे, रख दो हाथ शीश रख राई धर्म की मोदरी, रख दो शीश। और कह रहे हनुमान, अरे मात पिता सब बोही मेरे, अरे देख मात पिता और सब बोही मेरे, और जीतू भैया, अरे मात पिता और सब बोही मेरे, और उनके वचन पे चलना है। पहले छंद का जो आपने काफिया बोला है उसको दोबारा धुन में, क्योंकि पहले रसिया वाले दोबारा बोला करते थे, बोल करके पब्लिक में बताएं, आप मेरे कान में ना बताएं, काफिया को खोल करके बताएं पब्लिक में आपने क्या बोला, हाथ जोड़ करके निवेदन है।
मनोज भाई जो भी आपने कहना है अपने नंबर पर आकर कहें, इस तरह से बीच में आके आप व्यवधान न डालें, जो भी कहना है आप अपने नंबर पर आके कहेंगे। अरे मात पिता सब वो ही मेरे, अरे उनके वचनों पे चलना है, अरे उनके वचनों पे चलना है। और मनोज भैया चिचड़ाओ मत भाई, थे तुम्हारा नंबर हो रहा था जब मैं एक भी बार पूछने आया, जो तुमने बोला वो मैंने लिखा है, कानों में तेल डलवाओ ठेक निकलवा लो। गर्भजन शर्मा जी का नाम करना है तुमको तो, अरे उनके बचनन पे चलना है, अरे हाथ प्यार के रखे घनेरे, अरे उन्हीं कंधन पे चलना है, हाथ प्यार के धरे घनेरे उन कंधों पे चलना है, हाथ घनेरे। अरे थम जाए अब मेरे संग की घटा सिखा रे, सम के गम की घटा सिखा रे, सम के गम की घटा सिखा रे, शर्म की मोदेरी। वहां से एक टुकड़ी दे रहे थे कि जो मेरे पास है वो ना तेरी बहन के पास है ना तेरी मैया के पास है, और वो कह रहा है कि जो मेरे पास है वो ना तेरी बहन के पास है ना तेरी मैया के पास है, तो उसका सीधा सा उत्तर तो ये है मेरी खोपड़ी से, क्योंकि ये चांडाल खोपड़ी है। दोनों दोनों स्त्री पत पत्नी एक कमरे में बंद है, तो वो कह रही है पत्नी अगर तू मेरे पास है, मेरा पति है, तेरा मंगलसूत्र मेरे पास है, तो तू ना उसके पास है ना अपनी बहन के पास है ना अपनी माँ के पास है, क्योंकि तू मेरे पास है। और उधर वो पुरुष कह रहा है उसका पति कि तू मेरे पास है ना तू अपनी बहन के पास है ना तू अपनी मैया के पास है, क्योंकि तू मेरे पास है। ये बात है कोरी, लेकिन मेरी तरफ से टुकड़ी नो एंट्री, और किस तरीके से दिखाएंगे। नो 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 एंट्री। अरे कोई जान से गया, हाँ जी मैडम जी कहाँ गई कारे महोबारी, कहाँ गई वो, कहाँ गई तुम्हारी चुनवारी। अरे केला से चले ना काम, छोड़ दे कलमी आम, इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है, इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है, इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है। जो भैया हकीकत बताना, आज जितनों भी जा मंडल की तरफ से सुनो भयो हत का है, तुमने आज नयो सुनो या पुरानो सुनो है। हाँ जी हाथ उठा के बताओ पुरानो का नयो। पुरानो ही सुनो बेटा सब जी कह रहे। अरे केला से चले ना काम, छोड़ दे कलमी आम, इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है, इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है। अरे इस्तेमाल धनो सकर कंद कर रही है, खाली जा कॉपी जड़ा
कलम के रोही जड़ा। अरे बेटा ऐसे कौन तो कह रहा तू, इनते ही कह रहा हूँ। इनते मत के बेटा, केवल इशारा कर। अच्छा हाँ, केवल अपना गा रो इशारा कर। आए खाली तेरो पी जड़ा, बलम तेरो ही जड़ा, इसलिए बोल चाल बंद कर रही है। इसलिए बोल चाल बंद कर रही है, इसलिए बोल चाल बंद कर रही है। अरे चंपा चमेली है, नई जिनबेली है। बारे भय फेल आटे बारे भय फेल, बीत गयो इनको तेल। आटे बारे भय फेल बेटा, तेल तो जनो को न्यू बीत गए। जई रो मने गाम तारे, जई रो मने आज वारे। तेल तू ही ना तो लांगे खाते भाई। वो पहली कह देते जो लेकिन मेरे पास हाँ। जो जिनके पास है वो काऊ बनाए, काऊ बना बेटा। यार कोई गाओ तो नई चीज गाओ, नई हती ना जने पे। केवल नई बात तो भी कमरस यही सुना सकता है, देखना उस नंबर को पूरा नया होगा। मुस्कान ऐसी मंद मंद कर रही है, आटे बारे भय फेल, बीत गयो इनको तेल। आटे बारे भय फेल, बीत गयो इनको तेल। बैरंग के पट्टा पसंद कर रही है। No 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 no। अरे कोई जान से गया बाबा, कोई जान से गया, अरे कोई ताल से गया। ये तो जान से गया, कोई हाल से गया। अरे लुट गई सारी कंट्री, अरे लुट गई सारी कंट्री। और इश्क दी गली विच लो, अब एक बात कह रहे कि जे मेला देखवे आए हुए का नाम हुए भीकम रसिया हूं मैं, भीकम रसिया। अरे भीकम रसिया बनने के लिए तो बहुत बड़ा मसाला खाना पड़ेगा तुमको। के चाय कितने मन की बात करो, कितने उरे भैया। भीकम रसिया मारता है तो प्यार से मारता है। चाहे कितने मन की बात करो, वो मन बसिया नहीं हो सकता, वो मन बसिया नहीं हो सकता, वो मन बसिया नहीं हो सकता। अगर गायन अच्छी लगा है तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा। वो मन बसिया नहीं हो सकता, अब देखना ताली मना भी करूंगा लेकिन रोक नहीं पाओगे। वो मन बसिया नहीं हो सकता, अरे चाहे कितने रसिया गायलियो पर भी कम रसिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भी कम रसिया है? मैंने चार दिन ते बादी पगड़ी शर्माजी के संग छोटे से घोटू बन के जहां तक आए, बहु कौन भीकम रसिया पगड़ी बांधते। लेकिन कहना क्या है, मैंने जात नते बांधी पगड़ी, मैंने स्वाफा बहुत उतारे हैं, मैंने स्वाफा सभी उतारे हैं, मैंने स्वाफा सभी।
कह दूं, मैंने स्वापा भाव तो उतारे ही। अरे तो जैसे गायबे बारे नके मैंने रोज माजने नो 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 तो मेरा कहना क्या है और कहना ही नहीं पूछना भी है। और हमारे सांसद मधुजय जी केवल सुनेंगे के भीकम रचिया क्या गा रहा है। मेला लगा हुआ है दाऊ बाबा का। अब दाऊ बाबा के बारे में जिन्ने तो बताए कि जो चोर बहर गए पुलिस और चोर को किस्सा अगर पूछना है तो ऐसी बात पूछो। जीपी शर्मा जी अब नई खोज भीकम रसिया की क्या है। अरे मेरा लेखों का लेख, मेरा लेखों का लेख, अरे तू आंख खोल दे, देख मेरा लेखों का लेख, लेख आंख खोल देख, अरे मेरा लेखों का लेख, लेख आंख खोल देख। अब देख अब इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब असल पर ही देखूंगा कॉपी पकड़ा होगा ना। मेरा लेखों का लेख, लेख आंख खोल दे, अरे मेरा लेखों का लेख, लेख आंख खोल दे। अब देख पे लाइन बंद हो रही है, देख और देख से ही चालू होगी। गाने का भाव देखेंगे, जिस चीज पे बंद होगी लाइन उसी से लाइन प्रारंभ होगी दूसरी। मेरा लेखों का लेख, लेख आंख खोल देख, और देख लेखो रसिया ने, देख रसिया ने गाड़ी है दंगल में मेक, देख रसिया ने गाड़ी है दंगल में मेक, देख रसिया ने गाड़ी है दंगल में मेक। अरे मेक गाड़ी बदले अंग यदुरैया बने, मेक गाड़ी बदले रंग यदुरैया बने, मेक गाड़ी बदले अधुरैया बने, अधुरैया बने, अधुरैया बने। अब कहना क्या है, मेरा पूछना क्या है कि यह दाऊ भगवान का मंदिर है और मंदिर की भी एक विशेषता है, शायद आज तक तुमको नहीं मालूम होगी, तुमको नहीं मालूम होगी। लेख गाड़ी बदले अधुरैया बने और बने बल दाऊ कब कब कर कहना। अरे बने बल दाऊ कहाँ क्यों कन्हैया बने, अरे बने बल दाऊ कहाँ कन्हैया बने, अरे बने दाऊ कब कन्हैया बने, बने बल दाऊ कब कन्हैया बने, बने बल दाऊ कहाँ क्यों कन्हैया बने। अब कहना क्या है, अरे बने दाऊ बनबारी बता बना क्या कारण, बता बता भैया। अरे बने दाऊ बनबारी बता बना क्या कारण, बता बना क्या कारण हो, बता बना क्या कारण। अबे बता बना क्या कारण, कारण पे लाइन बंद हो रही है, कारण से ही चालू होगी। बता बना क्या कारण, अरे कारण, अरे कारण थी क्या समस्या, अरे जिसका किया निवारण हो, जिसका किया निवारण हो, जिसका किया निवारण। और निवारण को श्याम हल धरैया बने, निवारण को श्याम हल धरैया बने, और बड़े भैया निवारण के कारण हल धैया बने। और पूछना क्या है, अरे बता बल दाऊ कब कन्हैया बने, बता बल दाऊ कब कन्हैया बने, बता बल दाऊ कब कन्हैया बने। अब दिखाएंगे चिकड़ी और किस तरीके से। अरे सुख सैया का तुम प्रण कर लो, कदक सुख सैया का और तुम प्रण कर लो, अरे कहो
ना तन तरसाऊंगी। अरे कहो ना तन तरसाऊंगी। और कहना अरे धीर धरो प्रभु आने वाले। हनुमान जी कह रहे अरे धीर धरो प्रभु आने वाले। अरे कहा मन में हर साऊंगी। धुन दिखाएंगे मां साहब। एक बात गाई भैया मनोज ने, आखिर तुम्हें आना है, बड़ी देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, बड़ा देर लगे। बेटा ऐसे ना है। हो आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। अरे मौसम ये बारिश का बहाना है, बारिश का बहाना है, बड़ी देर लगेगी। आखिर तुम्हें मेला देखने हाथरस में देव छठ का मेला चल रहा है और यहाँ मेला देखने आए और कह रहे कि मौज मस्ती करेंगे मेला में, और वो भी दाऊ बाबा के मेला में। दाऊ बाबा का मुंह सर ना देखो, जान ना देखो भाई कछु, आके सामने मौज मस्ती। लेकिन गुरुदेव हम तो पहली बार आए, तेरे एक भीगम रसिया हुआ वहां में अलीगढ़ के आयो और मेला देखे गए और वहां बदतमीजी की। हमें हाथरस के मेला के बारे में वास्तविक ईमानदारी से जानकारी नहीं है कि यहां बदतमीजी होती है या पाक साफ मेला है। लेकिन भाई हमारी जान पहचान मित्रता रिश्तेदारी जो भी है वो हम हाथरस में किसको जानते हैं, रसियाबाजी के माध्यम से गुरु बिजेंद्र शर्मा जी को। इसके बाद अगर जानेंगे तो मनोज शर्मा को। अब इन्होंने ही बुलाया हमें मेला देखने के लिए, हमें इन्होंने ही बुलाया। अब कुकरम तो करे आए आप, हम चल रहे आगे आगे और पीछे तो उंगली कर दे।
और कुकर्म करके भाग गए। अब हमने तो नगर घर की रास्ता ना लेगी, ये भी नहीं मालूम यहाँ से भाग कर जाना किधर है। हाँ, जय को फायदा उठाएगा जी हाथरस को, क्योंकि यही तो हाथरस बारे, और ये नहीं मालूम है कि ये अलीगढ़ का मक्खन है। अब क्या हुआ कि भीकम रसिया को पकड़ लिया पुलिस ने, और भोरा आदमी है, पुलिस के सामने सच सच बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मनोज ने बुलाया और मेरे साथ ये बदतमीजी करके, मैं तो सामने से सीधा जा रहा था और आपने पकड़ लिया। पता नहीं इस बात को मनोज ने क्यों कहा, क्यों किया मेरे साथ ये धोखा, ये मनोज जाने। अब मेरा कहना क्या है पुलिस वालों से, क्या कहना साहब? मनोज भैया अंदो बांटे रेवड़ी और फिर घर के ने दे के आज के रसियन में तुमने और कहा पी ली है भंग, अरे कहा पी ली है भंग, अरे एक से एक रुपया दे रहे मेरे बालो गुरु है संग। कहना है बेटा भीकम, कोई चीज अगर गपती है तो उसकी भूमिका बनानी पड़ती है, कुर्सी ले लीजिए, एक दरवाजी को बैठा लिए, पब्लिक को मजा है, दुकान वही चलती है जो दुकान सजी हुई होती है। तो देखिए मैं गुजारिश करूंगा, दरोगा जी मेरे सामने अभी खड़े हुए थे, अगर बात ओरिजिनल है तो फिर दरोगा जी भी ओरिजिनल ही आएंगे। मैं गुजारिश करूंगा, इधर सामने जो ड्यूटी पर थे मेरे सामने अभी दरोगा जी बैठे हुए थे, मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके एक मिनट के लिए आ जाए, केवल एक मिनट के लिए। दरोगा जी एक मिनट के लिए आप मंच पर आएंगे, आपका स्वागत है। एक बात और कह रहे रसिया जी, एक बात और कही बालो गुरु, जब भारत विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन हमारा कहना क्या है भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कब बनेगा ये बात कहना है कि देखी ताकत देख के मेरे देश की, मेरे देश की, और जब बैठे विरोधी गद्दार, गद्दारों का सीना हिल जाएगा, और सीना हिल जाएगा, कोई सीना हिल जाएगा, और इन गद्दारों का सीना हिल जाएगा, 2024 में फिर से भारत में और मेरा कमल का फूल खिल जाएगा, तभी तो बनेगा मेरा विश्वगुरु भारत देश। कहना है मुकेश पंडित जी, रज्जो गुरु आप मेरे गुरु के समान हैं, मैंने जो भी सीखा है मैं तहे दिल से कहता हूं
कि उस शख्सियत से मैंने कुछ कुछ आशीर्वाद लिए जो आज हमारे बीच नहीं है, गुरु विजेंद्र शर्मा जी, उनसे कुछ कुछ तथ्य मैंने लिए। लेकिन उनके बाद अगर मैं छवि देखूंगा तो रज्जो गुरु के चरणों में मेरा नतमस्तक है, और इनके बाद मनोज भाई मेरे बराबर का है, और मैं यहां अगर हाथरस में कहीं भी नाम होता है तो मैं मनोज भाई का ही नाम लूंगा। तो कहना है कि पूरे विश्व में मोदी जी का, जब अगर भारत में, हमारे भारत में अगर कमल का फूल खिल जाएगा 24 में तो क्या होना है कि पूरे विश्व में मोदी जी का, और फिर रौब ऐसा पिल जाएगा। अरे जे रौब ऐसा पिल जाएगा कि भारत विश्व गुरु जब तक बने तो आप सबका साथ में ले जाएगा। तो कहना है तो कहना क्या बेटे? अरे मौसम आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो हे दरोगा जी, मेरी तो ये गलती है कि मैं गलती से भूल करके इस मनोज के कहने पर हाथरस की देवछठ का मेला देखने के लिए आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे जेल में डालो, डंडा मारो, या जो भी आपको करना है वो फैसला आपके हाथ है। लेकिन मेरी एक बात है। क्या बात है? पहले तो बुलाया है, पहले तो बुला लो, अब कर रहा लोची लोची के दंगल में का हीरो है, अब लोची लोची ना करन दंगो, चुकत साई दे के बुलाया हूं वैसी ना आएगो। पहले तो बुलाया है, अब पीछे खिसका है। अरे पहले क्यों बुलाया है, अब पीछे खिसका है। जो कुकर्म करवाया है, जो कुकर्म करवाया है, किस तरीके से। अरे अरे मुछारे ओ आटे वारे, कदक अरे मुछारे और तू आटे वारे। अरे आज छंद तूने रख लियो, के देखे आज छंद तेने रट लई है। मैं क्या कह रहा हूं, निरख लियो। अरे आज ये छंद निरख लियो, और कहना अरे बीधा बाबू भी कम प्यारे को तू बंद पर रख लियो। सुधीर के ये छंद, शर्मा सुधीर के ये छंद रे
रक्त मरम की मोदरी है। भाई बीकम रसिया जी, बीच बीच में कवित्र और सवैया लगाते चले। हमारे सांसद महोदय बैठे हुए हैं, उनकी बहुत फरमाइश है और आपके इतने बड़े ऐतिहासिक है कि लोकसभा में अगर कोई आवाज उठाई रसियाबाजी के लिए तो हमारे सांसद महोदय ने उठाई। तो देखिए इनके फरमाइश के लिए कवित्र किस तरीके से, अरे हम ऐसे गुरु के चेला हैं जे साची साची कह जाके, तुत साची साची कह जाके, तुत साची साची कह जाके। मनोज भैया हम ऐसे गुरु के चेला हैं, तुत साची साची कह जाके, तुत साची साची कह जाके, तुत साची साची कह जाके। और चो उछल कूद कर रहे हो ज्यादा, चो उछल कूद कर रहे हो ज्यादा, तेरी ना सो उछल कूद कर रहे हो ज्यादा, तेरे हाथ झुंझुना दे जाएंगे, तेरे हाथ झुंझुना दे जाएंगे, तेरे हाथ झुंझुना दे जाएंगे। और हम पट्टा बीदा बाबू के, हम पट्टा बीदा बाबू के, हम पट्टा बीदा बाबू के कहना, हम पट्टा बीदा बाबू के तेरी नाक काट के ले जाएंगे, बाबू के तेरी नाक काट के ले जाएंगे, तेरी नाक काट के ले जाएंगे। और अगर ये लाइन आ रही अगर पसंद आ जाए तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा, हम पट्टा बीदा बाबू के तेरी नाक काट के ले जाएंगे, और देख दिल बाल दुल्हनिया ले जाएंगे जी लपका दे कतर रह जाएंगे। दिखाएंगे बहर के माध्यम से किस तरीके से। का अम्मा में
अब लौड़ा कह रो जा बात है। ए रे पी लई का भंग, अरे जो कह रही ज्ञान लुटाए जाइयो। सब नकस छुओ अंग है मैया तेरो, अंग है मैया तेरो। अरे एरे जाने कैसो तो जो कह रही क्या न लुटाए जाइयो। जाने कैसो तो निकालो ऐसो अंग, जो कह रही क्या न लुटाए। और कहना अरे चादन से तू ब्याह के आई, चादन से तू ब्याह कर आई। और अम्मा अरे चादन से तू ब्याह के आई, सब मालूम होगी तो चादन से तू ब्याह कर आई, सब मालूम होगी तो अरे तेरे अंग ढंग की अब पे चान है काजे मोकू पे, चान कहा मोकू पे, चान है काम मोकू रे भैया। एरे मैया अधर्म की, एरे मैया अधर्म की, मेरे भैया धर्म की क्यों आज नहाए रही गंग, अरे जो कह रही ज्ञान लुटाए जाइयो। अरे छंद लड़ा तेरी बहरऊ बढ़ाए दई, छंद लड़ा तेरी बहरऊ बढ़ाए दई। मनोज भैया अरे छंद लड़ा तेरी बहरऊ बढ़ाए दई, ओ मूछंदार मुछारे, छंद लड़ा तेरी बहरऊ बढ़ाए दई मूछंदार मुछारे। आगे बहर बढ़ाए के लइयो कहना, अरे आए के, अरे आगे बहर बढ़ाए के लइयो, कह रहे बेरगवारे, कह रहे बेरगवारे, ओ कह रहे बेरगवारे रे भैया, कह रहे बेरगवारे आगे बहर बढ़ाए के। एरे भी कम रसिया तो, एरे भी कम रसिया तो, मेरे भैया रसिया तो पीते
अरे जो कह रही ज्ञान लुटाई जइयो अब देखिए एक जो भी फरमाश आई है जी 5 मिनट ओवर है गई तो चलते चलते एक टुकड़ी कोई बात नहीं चलते चलते एक टुकड़ी इनके लिए एक हवाई फुहारो किस तरीके से देखिए श्रद्धांजलि गीत है और किस तरीके से श्री रामवीर उपाध्याय जी के लिए जो के हमारे हाथरस की आन मान शान जो कि हर रसिया वाला गा रहा है भाई बीकम जी अगर ये श्रद्धांजलि सुबह की होन में अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है और जनता जनार्दन से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बीकम रसिया को बुलाया आपको मजा आया या नहीं आया और आपसे एक अनुरोध है कि जनता के मनोरंजन की एक ऐसी चीज गाए कि जनता की जो सुस्ती आंखों में भरी हुई है ये आंख खुल जाए तो देखिए अगर मनोरंजन की बात करना चाहते तो बाबा और आ जाओ फिर तो मनोरंजन पूरा ही है जागो फिर।